हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा गुड़िया वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए ये कितना प्यारा सा लग रहा है और बच्चों के लिए कितना सुंदर लगेगा अगर हम इसकी कोई स्वेटर बनाएं या किसी भी तरीके से हम इसको अप्लाई करें किसी भी वूलन क्लोथ में। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, इसको बनाने की प्रोसेस काफ़ी सिंपल है और बहुत सुंदर बन के आता है। तो चलिए मैं इसको कैसे बनाया आपको बताऊं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार ऐसी मेरे चैनल पे बनाए रखिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना ना भूलिए। इस पैटर्न को बनाने के लिए 20 फंदे लिए हुए हैं और मैं इस गुड़िया को इन दोनों गुड़ियाओं के सेंटर में बनाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने 10 फंदे सीधे बुन लिए हैं और 11वें फंदे से मैं डिज़ाइन डालना शुरू कर रही हूँ। तो 11वें फंदे से मुझे एक फंदे से मुझे 7 फंदे बनाने होंगे। देखिए एक फंदे से मैं 7 फंदे कैसे बना रही हूँ। एक फंदा मैं उल्टा बना रही हूँ, दूसरा फंदा उल्टा बनाना पड़ेगा और तीसरा फंदा उल्टा, चौथा फंदा उल्टा, पांचवा फंदा उल्टा, छठा फंदा उल्टा और सातवां फंदा उल्टा। इस तरीके से मुझे एक फंदे से 7 फंदे बना लेने होंगे और उसके बाद 7 फंदे जब मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं उसके बाद इसको पूरा उल्टी बिनाई कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसको एक फंदे के 7 फंदे बनाने हैं तो एक फंदे से पहले एक फंदा बनाइए, उसके बाद धागा घुमाइए अंदर की ओर लीजिए, फिर दूसरा फंदा बनाइए। इस तरीके से आप जब दूसरा फंदा बनाएंगे तो जब आपने धागा घुमाया होगा उस टाइम पे आपका एक तीसरा फंदा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आप चाहें तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं। तो ये इस रो को मैं इसी तरीके से पूरा उल्टा कंप्लीट कर लूंगी और बैक साइड पे पूरी रो में उल्टी बनाऊंगी। बैक साइड की पूरी रो उल्टी बनेगी। ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में पूरा उल्टी बिनाई करके इसको नीट कर लूंगी। फिर जब मैं फ्रंट साइड आऊंगी तो फ्रंट साइड आके मैं फिर से उल्टी बिनाई करके सभी फंदों को नीट कर लूंगी। इसी तरीके से फिर मैं बैक साइड आऊंगी, फिर बैक साइड में उल्टी बिनाई करूंगी और फ्रंट साइड में उल्टी बिनाई करूंगी। इसी तरीके से मुझे जब तक ये एक डॉल के शेप का रूप नहीं ले लेता तब तक मुझे इसी तरीके से उल्टी बिनाई और उल्टी बिनाई करके इसको बिन लेना है। तो इस तरीके से मैं इसको पूरा एक डॉल के रूप में आने तक, डॉल के फेस के रूप में आने तक इसको उल्टा सिल्टा बिन लूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना ना भूलिए कि आपको मेरी बनाई वीडियो कैसी लगती है। और चैनल पे मैंने भजन भी अपलोड किए हुए हैं, अगर आप उन्हें सुनने के शौकीन हैं तो ज़रूर सुनिए, वो मैंने अपनी आवाज़ में गाए हुए हैं। मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरे द्वारा गाए हुए भजन कैसे लगे। और कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल कंटेंट मैंने इसमें शेयर किया हुआ है, आप उनको भी देख सकते हैं। और साथ साथ में कुछ नेचर रिलेटेड कंटेंट है, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। इस तरीके से मुझे उल्टा उल्टा करके कंप्लीट कर लेना होगा। इस डॉल वाले पैटर्न का यूज़ आप किसी भी तरीके से बेबी स्वेटर्स में और जंपसूट बनाने में किसी भी तरीके से या फिर कोई कैप बना रहे हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है फ्रेंड। इस डॉल वाले कंटेंट को मैं मोबाइल कवर बनाने में इसका यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक मोबाइल कवर मैंने कैसे बनाया उसकी वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे ये पूरा पैटर्न, एक पैटर्न उल्टा, एक रो उल्टी, एक रो उल्टी करके कंप्लीट कर लेना है जब तक ये डॉल शेप का यानी डॉल के फेस के आकार में बनकर ना आ जाए। तो देखिए ये मेरा पूरा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, 10 फंदे में पहले की तरह उल्टे ही बिनूंगी।
10 फंदे सुलटे बिनने के बाद जो मेरे 7 फंदे हैं उन्हें 2 का 1 करूंगी, फिर 2 का 1 और 2 का 1, यानी 6 फंदों को मैं 2 का 1 करके 4 फंदे इसी तरीके से मेरे बच जाएंगे बना लूंगी, यानी 7 फंदों को मैं 4 बार 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 6 फंदे हो जाएंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा अपने आप रहता है और बाकी बचे फंदों को मैं एक एक करके बिन लूंगी। फिर मैं रॉन्ग साइड आऊंगी, बैक साइड आने पर मुझे पहले के 10 फंदे उल्टे बनाने हैं। दस फंदे उल्टे होने के बाद जो मेरे 4 फंदे मैंने 2 का 1 किए हुए थे उन फंदों को भी मैं 2 का 1, 2 का 1 करके कंप्लीट कर लूंगी और फिर उसके बाद ये पूरी तरीके से मेरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं इसमें एक सिलाई सुलटी बिन के, और मैंने इसमें एक दो सिलाई ज़्यादा सुलटी और उल्टी बिन के इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि ये मैंने इसलिए कंप्लीट किया, मैं आपको दिखा रही थी कि मोबाइल कवर कैसे बनाना है, बाद में मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने हरे ऊन से लेकर इसमें इसकी आईज मुझे बनानी होंगी, तो मैं इसकी आई बना रही हूँ। मैंने इसके लिए हरा ऊन चूज किया है और ये दूसरी आई में इस तरीके से आप सुई से सिलकर इसको बना सकते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है ये, इसको बनाना बहुत आसान है। आई बनाने के बाद मैं इसका एक छोटा छोटा मुंह बना दूंगी ताकि ये दिखने में और भी ज्यादा अच्छा लगे, और पीछे से मैं इसको नोट लगा दूंगी ताकि बाद में कोई इसमें से धागा निकलने ना लगे। अब मैं इसका देखिए फेस बना रही हूँ, मुंह बना रही हूँ, और जो नीचे मैंने दो डॉल बनाए हैं, एक मैंने इस डॉल के फादर और एक मदर बनाई हुई है और इनका छोटा छोटा सा बेबी है, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। आप चाहे तो आप भी कुछ भी इन डॉलों पे बना सकते हैं, ढेर सारी गुड़ियाएं बना के इन्हें एक अच्छा सा रूप देके अच्छी तरीके से इनको सजा सकते हैं, बहुत प्यारा लगेंगे। मैं इसको सिंपली आपको दिखाने के लिए इस तरीके से बना रही हूँ, और ये मैं इसके हेयर बना रही हूँ। हेयर बनाने के लिए मैंने पिंक यूज का ऊन की ऊन का यूज किया हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद। अभी देखिए बन जाएगा तो कितना प्यारा लगेगा, और आप इसको किसी भी तरीके से इन गुड़ियाओं को कुछ भी तरीके से नया बनाने की सोच के नया बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इन गुड़ियाओं के कान भी बना सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट मैं अभी इतना ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे कान नहीं बनाने हैं, एक सिंपल सा बना रही हूँ मैं पूरा इसी तरीके से इसको सुई से धागे को इस तरीके से डालकर पूरा इसके हेयर कंप्लीट कर लूंगी। और ये मेरी गुड़िया कंप्लीट हो उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना ना भूलिए, और साथ साथ में जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ तो आप मेरे साथ साथ उस वीडियो को बनाए, आप इजीली उसे सीख सके। ये मेरी गुड़ियाएं रेडी हो जाएंगी, इसके बाद मैं मोबाइल कवर बनाऊंगी और उस वीडियो को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे मोबाइल कवर बनाया, तो बहुत इजी है। आप चाहें तो हैंडबैग भी बना सकते हैं इनके लार्ज आकार देकर, इनको स्मॉल स्केल में मैं छोटे छोटे ही बना रही हूँ, देखिए पूरा कंप्लीट होकर आ जाता है। और लास्ट में फिर मैं इसको पीछे से नोट लगा दूंगी ताकि कभी भी इसका धागा निकले ना। तो आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और बनने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, और इसको बनाने की प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी थी। फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बने रहिए इसी तरीके से खुशी और उमंग लेके मेरे चैनल पे, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो कैसी लगती है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड।